मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग भाई के नए गाने यानी कि लेट्स नाचो छोटू मोटू को इतना हेट क्यों कर रहे हैं, कॉलिंग इट डम एंड ऑल. ब्रो, इट्स अ मास्टरपीस. आई विल एक्सप्लेन. फरहाद नोलेंटिनो सामजी इज डेफिनेटली अ रेवलेशन. इस गाने के पीछे की जो आइडिया है ना, इट्स क्वाइट ब्रिलियंट. देखो भाई एक फैमिली मूवी बना रहे हैं, राइट. भाई चाहते हैं कि एक बड़ी फैमिली जब उनकी फिल्म देखने जाए तो हर एक फैमिली मेंबर के लिए एक चीज, एक मोमेंट हो उस फिल्म में. और ऐसा नहीं है कि गाना इन लोगों से गलती से ऐसा बन गया है या ये लोग हल्के मिले रहे कुछ. दे आर सेल्फ अवेयर, उन्हें पता है कि वो क्या कह रहे हैं. दे देमसेल्फ मेंशन दिस इन द सॉन्ग. आई मीन हनी पाजी बोलते हैं कि आई एम लेजी, मुझको ना चाहो. ही इज एक्चुअली सेइंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ सल्लू भाई, बट बिकॉज ही इज सेइंग दिस तो वो अपने लिए भी बोल रहे हैं ना भाई, कि बिकॉज ही इज लेजी ही इज यूजिंग all the nursery rhymes. Now see, I am also that lazy CC content creator. Hence my research is weak and maybe my memory. क्योंकि I am not sure कि ये सारे rhymes जो है nursery के ही हैं या UKG, LKG या फिर play school के. But आप इस brilliant collaboration of Sallu भाई and Honey Paji को ignore नहीं कर सकते. आपको अंदाजा भी है कि इन्होंने नए parents का काम कितना आसान कर दिया. All they need to do now is play the song on the phone. बच्चे को phone मिल गया, वो खुश. बच्चे ने rhymes याद कर लिया, parents खुश. दिक्कतें में भी तब आएंगे जब बच्चे इसे class में गा के और नाच के सुनाएंगे. Same चीज अगर teacher school में गा के और नाच के सिखाए तो cool, और भाई यहाँ पे करके दिखा रहे हैं तो फूल. वो लोग जिनको अभी इस गाने से दिक्कत हो रही है वो कह रहे हैं कि भैया क्या ही वाहियात गाना है, कुछ एफर्ट नहीं है, फलाना ढिमका. बहुत सालों पहले भी ये चीज हो चुका है, कई बार हो चुका है, लेकिन एक मेमोरेबल वन जिसमें अगेन सूरज बजातिया थे और सलमान भाई थे. इत्तफाक है क्या वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद होगा दी एबीसीडी सॉन्ग, पूरा अल्फाबेट सिखाया था उन्होंने हमें, तब इट वॉज ओके एंड नाउ इट्स अ प्रॉब्लम. हाँ वहाँ पे लिरिक्स की गुंजाइश थी तो थोड़ी बहुत डाल दी गई थी, यहाँ पे नहीं थी जरूरत भाई. राइम से ही पूरा गाना बन गया तो क्यों डालें. और जो भी एक्स्ट्रा लिरिक्स डाला है वो देख रहे हो कितना ओरिजिनल है, थॉट प्रोवोकिंग है, आप समझ सकते हो उसको. Lot of effort gone into it. ये ना एक्चुअली तुम लोग जैसे इंटेलेक्चुअल्स के लिए सॉन्ग नहीं है, ये सॉन्ग है मासी सॉन्ग फॉर दी आम जनता, दी मैंगो पीपल, नॉट फॉर दोज पीपल जो सिर्फ आर्टसी मूवी देखते हैं एंड कॉल देमसेल्फ सिनेफाइल्स, ब्लडी आर्टसी एंड ऑस्कर नॉमिनेशन वॉचर. देखो हुआ क्या होगा ना कि भाई ने हनी पाजी को घर पे बुलाया होगा और बोला होगा क्या है नहीं, शाहरुख को लुंगी डांस एंड फॉर मी नॉट इवन पुंगी डांस. उसी पे हनी पाजी इमोशनल हो गए होंगे और बोला होगा कि भाई ऐसा गाना लिखूंगा कि ग्रैमी ले आऊंगा. जिस पे भाई ने कहा होगा कि तू रहने दे बस नर्सरी राइम्स लेकर आजा, दैट विल डू. एक शो में भाई बोलते हैं कि वो राघव से सीरियस एक्टिंग करवाना चाहते थे, यहाँ पे कॉमेडी और डांस नहीं करवाना चाहते थे. मैं तो बोलता हूँ कि भैया उनसे आप कॉमेडी और डांस करवा लेते, हो सकता है कि फिल्म में आपको एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाता जिससे लोग और भी ज्यादा खुश होते, कमाई और भी होती. सुपर हिट तो ऐसे भी हो रही है फिल्म. पूरे गाने में ना ये एक सीन जो था लुंगी वाला, जहाँ पे राघव अपना लुंगी संभाल रहे हैं, दिस वॉज अ शो स्टीलर फॉर मी. आई नो भाई फिल्म में फार्म फेस्टिवल में इंटरेस्ट रखते हैं, बट आदि पुरुष जब ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन होने वाली है तो आई थिंक इन लोगों को किसी का भाई किसी की जान को एटलीस्ट कान फिल्म फेस्टिवल में भेजना चाहिए था, वहां पे भी चार चांद लग जाते हैं. और कई लोग बोल रहे हैं कि इस गाने का सिनेमेटोग्राफी नहीं वीडियोग्राफी किया गया है और इसे बहुत ही हल्के में ले रहे हैं. तो ब्रो जब है बच्चे के लिए तो पिक्चराइजेशन में इतना दिमाग क्यों लगाना ब्रो. यूट्यूब फॉर किड्स पे गाना एक्सक्लूसिवली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे. इट एक्चुअली फील्स लाइक सेलिब्रिटीज हैविंग फन एट एन इवेंट इन द गांव और भाई का फार्म, एज सिंपल एज दैट, विद देयर लुंगी On, obviously. और भाई इससे ज्यादा मैजिकल और क्या हो सकता है भाई, कि भाईजान अपनी आवाज में नर्सरी के राइम्स गा रहे हैं. भाई आने वाले जनरेशन के चाचा और मामा हैं वो, इससे अच्छा और क्या होगा. ये फिल्म ना भाई अपने फैंस के लिए बना रहे हैं, जिसके चलते ही जस्ट नीड्स टू शो अप. अगर वो टीजर में जो कर रहे थे ना, पूरे फिल्म में भी वही करते, इधर उधर चलते रहते और एक दो डायलॉग बोल देते ना, तो भी ये फिल्म सुपर हिट होती और फैंस पागल हो जाते हैं. नहीं हो तो वीडियो डिसलाइक कर देना. एवरी डांस स्टेप जो इस फिल्म के हर गाने में, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ स्टेप डन बाय भाई वेरी लॉन्ग बैक इन दबंग. बोल दो मैं गलत हूँ. तब वो देखा था तो बड़ा वाह वाह कर रहे थे और अब भाई वही दोबारा से इतने बार इतनी ज्यादा बार करते हैं और इस फिल्म में तो ओवरलोड कर दिया है तो तुम्हें पच नहीं रहा है. तुम लोग इतने गंदे हो कि इस गाने में हिडन हुज योर डैडी जोक्स भी निकाल रहे हो. इट्स जस्ट अ राइम दैट हैज शुगर एंड डैडी बोथ इन इट एंड इट्स जॉनी हुज बीइंग क्वेश्चन नॉट जेनी.